हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का आपके 6 मंथ जेई बैच में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित आरव, और आप लोगों के लिए आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास नंबर 1 लेकर के आए हैं। तो एज आई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि भैया आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले दे देना चाहता हूँ कि जल्दी से इस कोर्स को ख़रीद लीजिए। इस कोर्स की फ़ीस है 1000 रुपीज़। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है ये। और साथ ही साथ 20 सितंबर के बाद इसकी फ़ीस 2000 रुपये हो जाएगी, तो बाकी आपका मन है, फिर आप कोर्स खरीदें या ना खरीदें। लेकिन 20 सितंबर के बाद आपको 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, बिना एक भी समय गंवाए, बिना एक भी सेकेंड आपका वेस्ट किए बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को अपनी जब हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पर समझा दिया था कि हम लोग स्टार्टिंग में अपने 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और 2 सब्जेक्ट वो कौन से हैं? एक सब्जेक्ट है आपका बच्चे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी कि विद्युत मापन वाला और ये विद्युत मशीनों वाला। तो बच्चे मॉर्निंग में क्लास होया करेगी आपकी विद्युत मशीन की, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, और इवनिंग में शाम को 7 बजे क्लास होया करेगी आपके बच्चे मेजरमेंट की। तो उसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पढ़ना। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है। और बच्चा बिल्कुल आप रिलैक्स रहिएगा, आपको मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पूरे एक महीने में ख़त्म कराऊंगा, 30 लेक्चर होंगे इसके, और मैंने पूरी स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है कि उन 30 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ाना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मशीन का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, और फिर हम जिस मशीन को सबसे पहले पढ़ेंगे उसका बेसिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भैया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जानने में ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि मशीन होती क्या है। तो आप मुझे बताइए बच्चे कि मशीन क्या होती है। तो एज वी ऑल नो, या फिर हम सब ने सुना है, डिस्कस किया है बहुत बार आपने हमने मिलकर के मशीन, बहुत बेसिक से डेफिनेशन कि जो आपके काम को ईजी कर दे वो मशीन है। और ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करेंगी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर पर वर्क करेंगी या ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेंगी कहलाएंगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बिल्कुल बेसिक सा फंडा कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। जस्ट अ बेसिक एंड सिंपल फंडा है, लेकिन ये हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन बता दिए हमारे एग्जाम में जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछे जाएंगे मशीन्स के डिटेल का पोर्शन। ठीक, बेसिकली जो हमारी मशीन होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारी बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप की होती हैं, और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। एक होती हैं हमारे पास स्टैटिक मशीन्स, यानी कि स्टैटिक मशीन्स होती हैं स्थैतिक। दूसरी होती हैं रोटेटिंग या फिर डायनामिक कह सकते हैं इनको हम। अभी इनकी हम हिंदी भी लिख के चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्टैटिक मशीन्स क्या होती हैं? स्थैतिक मशीन और रोटेटिंग मशीन क्या होती हैं? घूर्णी मशीन। स्टैटिक मशीन वे मशीन्स जो एक जगह रहकर स्थिर होकर के कार्य करेंगी, एंड द मशीन इज वर्क ऑन स्टेबल पोजिशन, वो कहलाएंगी आपकी स्टैटिक मशीन्स या फिर स्थैतिक मशीन। वो मशीन जो आपकी रोटेट होकर, यानी कि ऐसा नहीं कि वो भागती फिरेंगी सब में, वो भी किसी एक जगह पर रखी होगी, लेकिन उसके कोई ना कोई से पार्ट्स रोटेटिंग कंडीशन में होंगे, कोई ना कोई से पार्ट्स मोशन में होंगे, तो वो मशीन आपकी कहलाएंगी रोटेटिंग मशीन। इनके एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो वो सुन लीजिए। स्टैटिक मशीन का सबसे फंडा, सबसे प्योर एग्जाम्पल वो आपके लिए मिलता है बच्चों ट्रांसफॉर्मर। क्या मिलता है? ट्रांसफॉर्मर। और रोटेटिंग मशीन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है वो दो हैं बेसिकली, दोनों ही अच्छे हैं। एक है जनरेटर और एक है आपका मोटर, जनरेटर और एक है आपका मोटर। इनके हिंदी नाम भी लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर को बच्चों हिंदी में। वैसे बेसिकली ट्रांसफॉर्मर को तो आजकल एग्जाम में भी ट्रांसफॉर्मर ही लिख देते हैं,
लेकिन हिंदी में ट्रांसफॉर्मर को परिणामित्र कहा जाता है, जनरेटर को हिंदी में बच्चे जनित्र कहा जाता है, और मोटर को भैया मोटर ही कहा जाता है। ठीक, अभी ये मैं सोचो ना कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, तो ABCD से शुरू करना है ना, ABCD से लेकर जेड तक जाना, तो ये ए चल रहा है अभी, अभी ए भी नहीं शुरू हुआ है, अभी केवल टाइप चल रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर यानी कि परिणामित्र क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर भैया एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी स्थिर डिवाइस है, स्टैटिक मशीन है, या फिर बिल्कुल स्थिर युक्ति है, स्थिर मशीन है, जो कि एक जगह स्थिर रहकर कार्य करती है, उसका कोई भी पार्ट फिजिकली रूप से मोशन में नहीं होता। मतलब जो उसके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा हम लोग किस क्रम में पढ़ने वाले हैं, और आज शुरू भी कर देंगे एक टॉपिक को। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन हो गई जिसका एक भी पार्ट मोशन में नहीं होता, और वो मोशन किसी भी प्रकार का नहीं होता, ना तो वो रोटेटरी मोशन होता है और ना ही वो डायरेक्टली मोशन, लीनियर मोशन, कोई मोशन नहीं होता, कोई भी गति उसका कोई भी पार्ट नहीं कर रहा होता, ना ही उसका कोई भी पार्ट बच्चों घूम रहा होता है। जनरेटर, जैसा कि आपको पता है कि जनरेटर एक ऐसी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रोटेटिंग मतलब घूमने वाली, कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है या डिवाइस है, कि जनरेटर एक ऐसी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा भैया, मोटर मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करते हुए हमको मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करती है। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर हम उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड की जा रही है, और वो उसको कन्वर्ट कर दे रही है। किस में कन्वर्ट कर दे रही है? ये जो जनरेटर है भैया, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है इसका। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मोटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करती है, यानी कि ये जो हिंदी में अगर इसकी बात करें हम, तो ये यांत्रिक से वैद्युत में कन्वर्ट करता है, और ये वैद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट करती है। ठीक, तो इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल हैं वो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंस काफ़ी दोनों मिलेंगे इनमें, मतलब अपोजिट मिलता है। क्योंकि देखिए, इसको इसका रिवर्स कह सकते हैं हम, कि जो काम जनरेटर कर रहा है मोटर जस्ट उसका उल्टा कर रही है, जस्ट उसका रिवर्स कर रही है। लॉजिकल बात की नहीं भैया, बताओ। तो मोटर उसका जस्ट रिवर्स कर रही है, तो मोटर को हम जनरेटर का रिवर्स भी कह सकते हैं। तो जब हम जनरेटर, अगर हम, अब मैं अपना पर्सनल थॉट बता रहा हूँ, कि अगर हम जनरेटर को या मोटर को, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, डिटेल स्टडी कर लेते हैं, तो भैया वहाँ पर हम दूसरे को ऑटोमेटिकली स्टडी कर चुके होंगे। क्योंकि जब हम एक को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो जनरेटर है चाहे वो मोटर है, उसके साथ साथ दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट वर्क होगा उसका भी। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद जो हमारी मशीन के जो प्रकार थे वो तो इनकी पोजिशन के आधार पर थे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास सप्लाई कितने प्रकार की होती है। हमारे पास सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही प्रकार की है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है एसी सप्लाई, एक है डीसी सप्लाई, इट मीन्स टू से अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, और एक है डायरेक्ट करंट सप्लाई। ठीक, तो उसके बिहाफ पर ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, मेरे हिसाब से तो भैया उस सप्लाई की भी अलग अलग होती होंगी, या फिर होता होगा कि कुछ मशीन्स जो हैं केवल एसी पर वर्क करती हो, कुछ मशीन्स केवल डीसी पर वर्क करती हो, कुछ दोनों की हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हमको यहाँ पर अध्ययन करना है, तो उसका भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अपना कितना पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जब सप्लाई के आधार पर हमारी डीसी मशीन्स हो जाएंगी और हमारी एसी मशीन्स हो जाएंगी, सप्लाई के आधार, नोट्स बनाते चलना, बाकी ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है भैया, तो सप्लाई के आधार पर हमारी दो प्रकार की मशीन हो जाएंगी, कौन कौन सी? डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स। दरअसल जिस हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे
वो डीसी पर वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब आपको आपको बताऊंगा डिटेल में। तो वो डीसी पर वर्क नहीं करता है, इसका मतलब डीसी पर केवल रोटेटिंग मशीन ही वर्क करती होंगी। और रोटेटिंग मशीन कौन कौन सी थी? एक था हमारा जनरेटर और एक थी हमारी मोटर। यहां से हमको ये पता लगा कि डीसी पर सिर्फ ये दो मशीन ही वर्क कर सकती हैं। एक तो हमारा जनित्र डीसी पर वर्क करेगा और दूसरी हमारी मोटर डीसी पर वर्क करेगी। और इनके नाम भी होंगे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। फिर उनके टाइप्स पढ़ते हैं हम। जैसे कि जनरेटर के टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली का मतलब पृथक उत्तेजित और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब स्वय उत्तेजित। लिख देता हूं मैं, यह है आपका पृथक उत्तेजित और यह है आपका स्वय उत्तेजित। उत्तेजन क्या होता है वो सब बताएंगे जब आएगा, मतलब उसको सप्लाई दीजिए तो उसको उत्तेजन बोलते हैं। अभी आप सोचोगे एक ही लेक्चर में सारी मशीन रख दें, ऐसा नहीं है, लेकिन इस लेक्चर में सारी मशीन का ओवरव्यू आपको मिल जाने वाला, परेशान ना हो। तो भैया ये सेल्फ एक्साइटेड तो सेल्फ एक्साइटेड होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन इस सेल्फ सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड के तो कोई टाइप नहीं होते, वो केवल सेपरेटली एक्साइटेड ही है। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के तीन प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? और वही तीन प्रकार मोटर के भी होते हैं, इसलिए मैं एक साथ लिखूंगा इनको। एक होता है सीरीज, एक होता है कंपाउंड सॉरी एक होता है सीरीज, एक होता है शंट और एक होता है कंपाउंड। इनको हिंदी में भी श्रेणी, शंट और कंपाउंड लिखा आता है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि डीसी जो जनरेटर हैं वो दो प्रकार के हैं, सेपरेटली एक्साइटेड यानी कि इनको अलग से सप्लाई दी जाती है एक्साइट होने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और एक है सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड जो ऑटोमेटिकली खुद के अंदर ही अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, उसका प्रोसेस है वो सब छोड़ो। सेल्फ एक्साइटेड तीन प्रकार के हैं, डीसी मोटर भी सेम तीन प्रकार की हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। जब बात करेंगे तो ये डीसी सीरीज जनरेटर हो जाएगा और ये डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज में जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, शंट में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है, और कंपाउंड में दरअसल जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं। अगर उसके दोनों पार्ट्स पैरेलल में हैं तो आपके शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट हो जाते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है नी। ये कंपाउंड में दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट, फिर कम्युलेटिव और डिफरेंशियल भी होते हैं। और बेसिकली अगर आपके पेपर का पैटर्न हार्ड बनाया जाएगा तो वहाँ पर हमको कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में पूछ लेता है, योगात्मक कंपाउंड और अंतरात्मक कंपाउंड, वो सब इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लोग डीसी मोटर को पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है एसी मशीन्स की। तो एसी मशीन में जो ट्रांसफॉर्मर है वो एसी पर वर्क कर सकता है लेकिन डीसी पर वर्क नहीं कर सकता था। तो इसीलिए अब ट्रांसफॉर्मर जब एसी पर वर्क कर सकता है तो एसी की हमारे पास तीन मशीन हो गई बेसिकली। कौन कौन सी हो गई? एक हो गया ट्रांसफॉर्मर, एक हो गया जनरेटर और एक हो गई हमारे पास बच्चों मोटर, ठीक। इनके हिंदी नाम भी लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मर परिणाम मित्र होता है, जनरेटर जनित्र और मोटर को तो मोटर ही कहते हैं, ठीक। तो डीसी पर तो हमारे केवल दो ही काम कर रहे थे, वो थी रोटेटिंग मशीन, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पर काम नहीं करता है, लेकिन एसी पर हमारे ट्रांसफॉर्मर भी काम करते हैं। इस लिहाज से इस तरीके से एसी पर हमारी तीन मशीन काम करेंगी, एक ट्रांसफॉर्मर, एक जनरेटर, एक मोटर। तो जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो हमारे दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? एक है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एसी सप्लाई है, जो आपकी एसी सप्लाई है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये वैसे बेसिकली हमारा बी डबल ई का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमको
केवल उसका यूज पढ़ना है, बीडब्ल्यू बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो एसी सप्लाई दो प्रकार की होती है, फेजेस के आधार पर, सिंगल फेज होती है और थ्री फेज होती है। तो यहाँ पर जब सप्लाई दो प्रकार की है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी मशीन्स भी दो प्रकार की होंगी। लॉजिकल बात है कि जब हमारे पास एसी सप्लाई सिंगल फेज और थ्री फेज है तो इसकी मशीन्स भी सिंगल फेज और थ्री फेज होंगी। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर भी सिंगल फेज और थ्री फेज, जनरेटर भी सिंगल फेज और थ्री फेज, मोटर भी सिंगल फेज और थ्री फेज, ठीक। लेकिन जनरेटर को सिंगल फेज बहुत ही कम यूज किया जाता है, बल्कि यूज ही नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरेटर को सिंगल फेज पर यूज करने से लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उससे इतनी सप्लाई पैदा नहीं होगी, इतने नुकसान हो जाएगा। इसलिए जनरेटर को हम मुख्य रूप से केवल थ्री फेज पर यूज करते हैं, केवल थ्री फेज पर, और ये वाला सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों। तो यहां से हमको ये बातें पता लगी कि डीसी मशीन क्या होती है, पूरा फंडा समझ गए। एसी मशीन्स में जो तीन मशीन्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर एंड मोटर, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हमारा सिंगल फेज और थ्री फेज टाइप्स का होता है, जनरेटर को हम बेसिकली केवल थ्री फेज पर वर्क करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगल फेज पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने से इतने तो लॉस हो जाएंगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। उसके बाद मोटर सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों की होती हैं। अब बात आती है कि इनके टाइप्स क्या हैं जो हमको बेसिकली पढ़ने हैं अपनी मशीन में। तो जो हमको अपनी मशीन में इनके टाइप्स पढ़ने हैं वो क्या हैं, उनके भी नाम मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है बच्चों, यहीं पर इनके साथ साथ ही लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारा का सारा। तो ट्रांसफॉर्मर का तो पता लग गया आपको, ट्रांसफॉर्मर में तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यही इनके नाम है। लेकिन जनरेटर का जो है, जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं उसको सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी कहते हैं, उसको सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में स्टडी करेंगे। दरअसल उस जनरेटर का नाम सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी है। उसके बाद मोटर, ऑब्वियसली बात है सिंगल फेज की भी आएंगी और थ्री फेज की भी आएंगी। तो सिंगल फेज और थ्री फेज के बिहाफ पर जज करने से बेहतर है कि हम लोग सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर को टेक करेंगे। सिंक्रोनस मोटर होती हैं और होती हैं इंडक्शन मोटर। ये तीन प्रकार की मोटर हैं जो हमको पूरी मशीन में पढ़नी पड़ेंगी, 1, 2, 3, यानी कि डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर बच्चों एसी सप्लाई पर वर्क करती हैं, डीसी मोटर हमारी डीसी सप्लाई पर वर्क करती है। अब ये सिंक्रोनस और इंडक्शन के भी प्रकार होते हैं, सिंक्रोनस को तो छोड़ देते हैं, सिंक्रोनस थ्री फेस हो जाएगी, बात खत्म। इंडक्शन मोटर के प्रकार हैं दो, वो हैं एक थ्री फेज और एक सिंगल फेज। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है, और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम इसका एक सार ले लेते हैं, इसका पूरा एक सार लेते हैं कि हमने अभी तक क्या समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपना पहली मशीन जो कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर के रूप में पढ़ने वाले हैं उसको शुरू कर देंगे, ठीक। लेकिन पहले इसका सार ले लीजिए। तो इसका सार क्या है, इसका सार ये है बच्चों कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रिकल मशीन से बेसिकली होती क्या है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हुए हमारे काम को आसान कर दे, कहलाती है इलेक्ट्रिकल मशीन। आप लोग डिप्लोमा कुछ पास आउट हैं, कुछ डिप्लोमा ऑनगोइंग है, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को अच्छे से चीज़ें पता ही नहीं है अभी कि किसी को एक्सप्लेन कैसे करना है। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को पता है कि मशीन क्या होती है, लेकिन बच्चे उस पता होने का कोई मतलब नहीं जब तक कि आप उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले को एक्सप्लेन ना कर दो, तब तक तो वो मीनिंगलेस है मेरी नज़र में। तो मतलब मैं उसको कुछ भी नहीं मानता हूँ, एकदम मीनिंगलेस मानता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप अपनी नॉलेज को, जो आपको आता है उस नॉलेज को आप सामने वाले किसी इंसान को अगर समझा पाते हो,
दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्कॉलर, समझे आप। तभी एक अच्छे छात्र या छात्रा कहे जाओगे। मेरी नज़र में ऐसा मेरा मानना, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से यही बात कहता हूँ कि आप तभी एक अच्छे छात्र या छात्रा हो सकते हो जब आप सामने वाले को अपनी बात समझा देते हो, अदरवाइज तो भैया ना हो। क्योंकि आपको दुनिया भर का ज्ञान आता है, लेकिन अगर आप अपनी बात उसको नहीं समझा सकते सामने वाले को, इट मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। चलिए फिर इस जल्दी से हम इस समरी को आगे बढ़ लेते हैं, एक बार इसको पूरा सार समझ लेते हैं दो मिनट में, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक है और वो है ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा, एग्जाम में तो इसमें से बहुत कम काम में आएगा, मतलब इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो तो डीप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन किसी के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए, अपने इंटरव्यू देने के लिए, ये जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर सामने खड़ा हुआ शख्स जो आपको बता रहा है, 100% वर्केबल है, 100%। ये बहुत काम आता है किसी को भी अपनी बात, अगर आपको मशीन समझानी हो इतना समझा दो, आदमी खुश है भैया, बहुत खुश हो जाएगा वो। दूसरी बात कि अगर कभी इंटरव्यू देने गए किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए, यही सब पूछा जाता है उसमें, ठीक है। चलिए ओके, देन आफ्टर दिस इलेक्ट्रिकल मशीन, वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हुए हमारे काम को आसान करे, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाएगी। बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, स्थिर रहकर काम करने वाली और उसके किसी किसी पार्ट को घूमकर काम करने वाली। स्थिर रहकर जो काम करती है वो केवल एक है, वो है ट्रांसफॉर्मर। जो घूमकर काम करती हैं वो हैं दो, जनरेटर और मोटर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है दो प्रकार की होती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके आधार पर भी इलेक्ट्रिकल मशीन दो प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? एसी मशीन्स और डीसी मशीन्स। जो डीसी मशीन्स हैं, ट्रांसफॉर्मर डीसी पर वर्क नहीं करता, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर वहां से फुर। केवल दो बची, तीन ही तो मशीन थी, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और मोटर। अभी ट्रांसफॉर्मर मर गया, केवल दो बची, कौन कौन सी दो बची? जनरेटर और मोटर। अभी मोटर को रखते हैं तो बचा जनरेटर। जनरेटर जो है आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी भी कोई जनरेट नहीं कर सकता। आप कभी भी अपने मुंह से ये मत बोलिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी जनरेट नहीं होती, कभी खर्च नहीं होती। केवल उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन, परिवर्तन हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो उसके बाद जनरेटर जो डीसी के हैं, दो प्रकार के हैं, सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड। मोटर तीन प्रकार की हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी हमारे यही हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। उसके बाद एसी मशीन्स पर आ जाते हैं। एसी मशीन्स बेसिकली तीनों के तीनों हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी एसी पर वर्क करता है, तो इस लिहाज से हमारे पास तीन एसी मशीन्स हो जाती हैं। एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और फिर आई मोटर। ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों पर वर्क करेगा, तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। जनरेटर बेसिकली वर्क दोनों पर कर सकता है, लेकिन हम उसको थ्री फेज पर ही ऑपरेट कराने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सिंगल फेज पर लॉसेस बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए इसको केवल थ्री फेज पर वर्क कराएंगे। इसका नाम है सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। उसके बाद रही बात मोटर की, तो मोटर हमारी दोनों पर वर्क करती हैं, थ्री फेज पर भी और सिंगल फेज पर भी। और साथ ही दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंक्रोनस मोटर, एक होती है इंडक्शन मोटर, ठीक। सिंक्रोनस केवल थ्री फेज पर वर्क करती है, इंडक्शन थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार की एसी सप्लाई पर वर्क करती है। इतना बता दिया तो आदमी खुश हो गया, सामने वाला एकदम कह रहा है वाह बेटे मौज कर दिया आपने तो, ठीक है। तो ये याद रखना, मोटर हमको केवल तीन प्रकार की पढ़नी है, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। इनके अंदर इनके प्रकार हो सकते हैं, बेसिकली तीन प्रकार की हैं। जनरेटर दो प्रकार के पढ़ने हैं, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर केवल एक प्रकार का पढ़ना है, एसी ट्रांसफॉर्मर, जिसमें दो प्रकार हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। लेकिन सप्लाई केवल एक पर ही वर्क कर रहा है, वो है एसी पर। डीसी पर क्यों वर्क नहीं करता? जैसे जैसे हम अपने ट्रांसफॉर्मर में चलते चले जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस भी बनेंगे बहुत सारे। न्यूमेरिकल्स तो यहाँ बहुत मैटर करते हैं भैया, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान आसान से, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। थ्योरी कम, आजकल न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, और बाकी किसी का कुछ भरोसा नहीं है, वो कहाँ से पूछ लें। इसलिए आपको मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं कराऊंगा, जितना भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ हर चीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं, और वो आपको जैसे ही एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद उसका टेस्ट वेस्ट होया करेंगे, हर वीक आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बच्चे, हर वीक आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है भैया। चलिए फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, और हम अपना जिस जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपने सीख लिया,
कि हम लोग मशीन में अपना ये पढ़ने वाले हैं और इनके लॉसेस वॉसेस सब चीज़ के बारे में जानेंगे, टेस्टिंग लॉसेस डिटेल एवरीथिंग इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो अब हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मर शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आज ले लेंगे और इन डिटेल अपना चलता रहेगा। 3 से 4 लेक्चर में हमें अपना सारा ट्रांसफॉर्मर ख़त्म करना है। क्या करना है? 3 से 4 लेक्चर में हमें अपना सारा ट्रांसफॉर्मर ख़त्म करना पड़ेगा आज के लेक्चर के अलग। और जो कि भरोसा रखिए, आपको सारा का सारा समझा दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट आपके सामने ला दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट बना करके चलेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की बात आ गई है, अब हम लोग अपना टॉपिक डाल देते हैं। हमारा जो अब टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको हिंदी में कहते हैं परिणाम मित्र। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में सबसे पहली बात जो हम जानते हैं वो ये है कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है ये? एक स्टैटिक डिवाइस है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि विशेषताएं। बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी एक साथ चलती रहेंगी हमारी, और यही मेरा पढ़ाने का तरीका है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? देखिए, सबसे पहली विशेषता जो मैं मानता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर है वो है आपकी भैया स्टैटिक, यानी कि स्थिर रहकर काम करने की क्षमता। ये इसका कोई भी पार्ट घूमता नहीं, इसलिए इसमें वाइब्रेशंस भी कम से कम ही होते हैं। सारी की सारी रोटेटिंग मशीन्स के कंपेयर में देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर में वाइब्रेशन सबसे कम होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है, उसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, वो स्थिर रहकर काम करने की क्षमता रखता है। क्या रखता है? स्थिर रहकर काम करने की क्षमता। और ये प्रॉपर्टी भैया मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बाकी सारी किसी भी मशीन्स में नहीं होती है, स्थिर रहकर कार्य करने की क्षमता। स्थिर रहकर कार्य करने की क्षमता, काम ना लिख के इसको कार्य लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा जो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्थिर रहकर काम करने की क्षमता रखता है, बाकी मशीन से बेसिकली जो दूसरी है वो कुछ ना कुछ पार्ट का घूमेगा। और ये स्थिर रहकर काम करने की क्षमता से मेरा मतलब है कि इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं। इट मीन्स टू से कि जो बाकी मशीन्स हैं, जैसे कि मोटर हुई या फिर आपका जनरेटर हुआ, तो इनके पार्ट्स रोटेटिंग है। इट मीन्स टू से इनका कोई ना कोई पार्ट तो रोटेट कर रहा है ना। तो जब इनके पार्ट्स हमारे रोटेटिंग होते हैं तो रोटेटिंग पार्ट्स से होता क्या है कि रोटेटिंग पार्ट्स होने से वाइब्रेशंस बहुत हो जाते हैं। और जब वाइब्रेशंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है भैया कि वाइब्रेशन होने पर मशीन हिलेगी डुलेगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्योंकि कोई भी पार्ट रोटेटिंग नहीं है, इसलिए बाकी सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कंपेयर में वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो क्या है? वो केबल एसी सप्लाई ओनली, मतलब ये केबल सिर्फ एसी सप्लाई पर ही वर्क करते हैं। एसी सप्लाई ओनली, इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? केबल एसी पर कार्य करते हैं, केबल एसी पर कार्य करते हैं। एसी का मतलब है यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्या मतलब है? एसी का मतलब है भैया यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी वो सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, पता नहीं काम आइन चला गया, एक क्यू होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर, ठीक है नहीं? देखिए, ये डीसी पर वर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डीसी के थ्रू हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, और एसी के थ्रू जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। इसीलिए ये केवल एसी पर वर्क करते हैं। बाकी इन डिटेल हम जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ेंगे सब समझाएंगे, ठीक है नहीं? मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको 4 से 5 लेक्चर के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर ख़त्म कर देंगे और 25 से 30 लेक्चर के भीतर पूरी मशीन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी, और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछने लगूँ कि ट्रांसफॉर्मर हमारा
दो वाइंडिंग होता है, पता है आप लोगों को क्या है मतलब, कम से कम दो वाइंडिंग तो होनी जरूरी है ट्रांसफार्मर में, एक चलती है लेकिन उसको भी दो ही पार्ट्स में बनाते हैं। ऑटो में भी, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो आप बोलते हैं एक वाइंडिंग है, लेकिन उसको भी तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ टर्न्स बांटे जाते हैं ना। इसीलिए जब प्राइमरी से सेकेंडरी पर एक ट्रांसफार्मर क्या चीज़ ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, पावर या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि आप कहते हैं कि वो करंट ट्रांसफ़र करता है, वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है, तो गलत होगा, क्योंकि वो जो ट्रांसफार्मर नाम की स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इधर वाली बाइंडिंग से, प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग पर पावर यानी कि शक्ति का ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? ट्रांसफ़र पावर, ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी पर पावर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि प्राथमिक से द्वितीयक, प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली पर शक्ति भेजता है, प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली पर शक्ति भेजता है यानी कि पावर ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद बच्चों जो हमारा अगला और मेन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो वो आप मुझे ये बताइए बच्चा कि एक और काम ट्रांसफ़र कर, वो ट्रांसफार्मर काफ़ी मेन करता है, वोल्टेज का स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। क्या करता है? वोल्टेज स्टेप अप, स्टेप अप टू वोल्टेज एंड स्टेप डाउन, यानी कि वो वोल्टेज को घटा सकता है या फिर वोल्टेज को बढ़ा सकता है, यानी कि अगर उस पर प्राइमरी पर कुछ है, सेकेंडरी पर कुछ है, तो इस प्रकार से वो वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइमरी पर वोल्टेज ज़्यादा है तो वो सेकेंडरी पर बढ़ा देता है, अगर सेकेंडरी पर कभी कभी प्राइमरी पर कम है तो सॉरी प्राइमरी पर ज़्यादा है तो सेकेंडरी पर कम कर देगा, प्राइमरी पर ज़्यादा है तो सेकेंडरी पर बढ़ा देगा। ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कि प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं और सेकेंडरी में कितने टर्न्स हैं। ये जब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों एक साथ सीखेंगे, तो उस लेक्चर में आप इन डिटेल पूरा प्रोसेस समझ लेंगे। अभी तो मैं केवल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं, केवल कुछ विशेषताएं कि वो किस किस तरीके से वर्क करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बता रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, इसको भी लिख लेते हैं भैया कि ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर परस्पर प्रेरण सिद्धांत। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परस्पर प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। परस्पर प्रेरण सिद्धांत पर आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। अब ये प्रेरण सिद्धांत क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इंडक्शन प्रिंसिपल है। अच्छा, इंडक्शन दरअसल क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारे BEE के पार्ट हैं, लेकिन अगर इसका यहाँ जिक्र आया है तो ऑब्वियसली बात है कि भैया इसको यहाँ भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इंडक्शन क्या होता है। दरअसल बच्चों जो इंडक्शन होता है वो हमारा एक जगह से दूसरी जगह किसी सप्लाई या हीट का ट्रांसफ़र करना होता है, और वो भी बिना किसी माध्यम के। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको 5 रुपये देने हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली 5 रुपये ना दे करके ऐसे पास करके आपको 5 रुपये दे दूंगा। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी से सेकेंडरी पर सप्लाई पहुंच जाती है बिना किसी माध्यम के, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब बीच में कुछ है, वो म्यूचुअल इंडक्शन है। अभी जो प्रोसेस बोला, आपस में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ और कनेक्शंस पैदा हुए हैं जिससे कि हम पर आ गया है। तो बच्चे इसके बाद की स्टडीज़ हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इंट्रोडक्शन काफ़ी था। आई होप कि आज हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है इन डिटेल, और आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है भैया,
तो बच्चे आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ, जो कि आपका 6 मंथ JEE बैच की लेक्चर नंबर 1 था, जो कि सबके लिए पब्लिक रहेगा डेमो के तौर पर। तो आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है, और पूरा प्रोसेस एक वीडियो मैंने बना करके डाल दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर के देख लीजिए, समझ जाएंगे। और 20 सितंबर के बाद अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हो तो आपको 2000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, कितनी रुपीज़ 2000, ठीक है भैया। बाकी मैं कैसा पढ़ाता हूँ बच्चों ये आप लोग जानते ही हैं। ओके गाइस, क्लास अच्छा लगा लाइक करके जाइएगा और जल्दी जल्दी मेंबरशिप ले लीजिए, अदरवाइज लेट हो गया फिर फीस बढ़ती ही चली जाएगी। बाकी पढ़ाएंगे कैसा भरोसा रखिए, जो लोग मेरे साथ आएंगे और पूरी मेहनत करेंगे 100% JEE बनवा के छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, शाम को 7 बजे हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ प्रॉमिस किया था ना, तो शाम को 7 बजे आपको मेजरमेंट की क्लास मिल जाएगी अब, और सुबह को मॉर्निंग में आपको मशीन की क्लास मिला करेगी, लगातार 1 महीना और 2 सब्जेक्ट 1 महीने में ख़त्म हमारे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जितना हो सके शेयर करो, बताओ सब लोगों को कि बैच को ज्वाइन कर लो, केवल 20 सितंबर तक मौका है, 20 सितंबर के बाद 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को आप लोगों से, आना मत भूलिएगा कोई भी, शाम को 7 बजे मेजरमेंट की क्लास आपके सामने होगी, और जरूर नोट्स बनाते चलें, बाकी मैं नोट्स आपको सारे के सारे उपलब्ध